नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैम्पू का आविष्कार कैसे हुआ? बालों को स्वस्थ रखने के लिए हम हमेशा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शैम्पू का आविष्कार किसने किया और सबसे पहले शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ? आप में से शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बात करेंगे। शैम्पू शब्द को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये एक विदेशी शब्द है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि शैम्पू एक हिंदी शब्द है जो संस्कृत के एक शब्द से निकला है। दरअसल शैम्पू शब्द चंपू से बना है। चंपू का मतलब होता है मसाज करना। चंपू शब्द संस्कृत भाषा से निकला है। बता दें कि भारत में पुराने समय में सभी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट को हर्बल तरीके से बनाया जाता था। पुराने समय में बालों को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए फलों के गुदे जैसा कि रीठा, आंवला, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले शैम्पू को भारत में बनाया गया था। दरअसल जब अंग्रेज भारत आए थे तब उनकी नज़र भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू यानी आंवला रीठा पर पड़ी। तब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया तो ये बालों के लिए काफी फायदेमंद लगा और अंग्रेज इसे अपने देश लेकर चले गए और वहाँ पर शैम्पू शब्द के साथ बाजार में उतारा। बता दें कि आज के समय में नॉर्मली हर कोई शैम्पू का इस्तेमाल करता है, लेकिन पुराने समय में शैम्पू का इस्तेमाल राजे, महाराजे और अमीर लोग ही किया करते थे। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि शैम्पू का आविष्कार किसने किया और किस देश में हुआ। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।